बहन बीमार होती थी हमेशा, कितनी बीमार है, कोई नहीं है उसका, ना माँ ना बाप। सर जी वो तुम्हें याद करके रोती है, तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन, लोग कितनी ताने देते हैं हमें, तुम्हें क्या पता। वापस मौत है मेरी और यहाँ भी कुछ कम जलील नहीं हुई मैं। अगर मैंने वापसी की बात की तो गलत हो जाएगा, शायद फिर सारी जिंदगी जेल में डाल देंगे। ये डर है यहाँ मेरी कोई नहीं सुनेगा। ठीक है, बच्चे मुसलमान हैं, वाह भाई वाह, बच्चे मुसलमान हैं, डोंट वेरी, मैं भी मुस्लिम हूँ, बस कैमरे के आगे होता है दुनिया को दिखाने के लिए। रीमा आसिफ का ख्याल रखना। ठीक है, ये बांद्री बोल, ये बांद्री कह रही है मैं आज भी मुसलमान हूँ, कैमरे के आगे मुझे ये सब कुछ दिखावा करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद ये कह रही है देखो जैसे तुमको हम सबको बेवकूफ़ बना के वहाँ गई हो, वैसे वैसे ही उन्हीं को बना के वापस आ जाओ। ठीक है, रीमा समझा रही है बांद्री को, जैसे तुम हमें बेवकूफ़ बना के वहाँ चली गई हो, उनको बेवकूफ़ बना के पाकिस्तान वापस आ जाओ। फिर लिखती है बताओ ना, जवाब दो, मैं तरस गई हूँ अपने बच्चों की आवाज़ सुनने के लिए। रीमा कह रही है सीमा को। अच्छा, बांद्री अभी लिखती है रीमा मैं वापस आऊँगी, अगर मुझे हैदर ने मुझे नहीं छोड़ा मुझे मार देगा। और रीमा बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, फरवा फरी मुन्नी को कोई हाथ भी नहीं लगाता। रीमा मुझे माफ़ करना, कोई बददुआ नहीं देना। वो कह रही है मैं हैदर से बात की है, तुमको नहीं मारेगा। अच्छा जी, उसके बाद कहती है कब बात की है रीमा, दिल भी भेजा। तो वो लिखती है कि मैंने कल हैदर से बात की है, अभी मैं उसका नंबर आपको सेंड करती हूँ। फिर इसने अपनी बहन बांद्री को हैदर सर का नंबर सेंड किया। ठीक है, देखो मैं तुम्हारा ये हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के वास्ते अपने बच्चों की जिंदगी का मत करो, अपने बच्चों को अपने बाप को दो, खुद भी वापस आओ, अपने बच्चों के साथ रहो, तुम्हें कोई नहीं मार सकता। हर इंसान से गलती हो जाती है, तुम भी अपने रब से माफ़ी मांगो, अपने शोहर से माफ़ी मांगो, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। वापिस आ जाओ, और हमें कोई नहीं धमकाता, हैदर भाई भी क्यों धमकाएंगे।
मेरी थी, तो मेरा तुम्हें सलाम कर दूँ। उस बेचारे के साथ कितना गलत किया तुमने, और आज तक गलत कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है, तुम जो गलत करोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, बस तुम्हें इंसाफ मिलेगा। झूठ झूठ होता है मेरे पे और सच सच होता है। अगर तुम इतनी सच्ची हो ना तो मुझसे रास्ता करो ना, मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हें इतनी तुम्हारे चैनल पर घूमें कर, तुम्हारे हर वीडियो पे कमेंट करती हूँ, तो मुझे जवाब क्यों नहीं देती? अगर तुम सच्ची हो, हैदर भाई झूठा है, मैं तुम्हारी बहन भी मान झूठी हूँ, समझ करो सीमा, वापस आ जाओ। मैं कोई नहीं मारेगा, अपनी माँ बाप का सोचो, उसकी कब्र का सोचो। तुम वही सीमा ना, तुम बोलती थी कि मैं जब मरूँ तो मुझे मेरी माँ की कब्र के साथ में दफनाना, और आज तुम चाहते कि तुम्हें जला दिया जाए। तुम ऐसी नहीं थी, मैंने ऐसा क्यों कर रही हूँ? तो गलती हो गई तो गलती मान लो और गलती मत करो, इसके लिए तुम्हें बाद में बचाना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी एक ख़त्म हो रही है। समझ करो मैं आपके साथ से बात करूँ, अपने आप पे रहम करो, बच्चों पे रहम करो, अपने गरीब शोहर पे रहम करो। इतना किसी का दिल मत दिखाओ उसकी दिलों से इतनी बदवाई निकली कि कभी कभी फिर बच ना पाओ। समझ करो कोई तुम्हारा फायदा नहीं है, कोई तुम्हारा वहाँ सजा नहीं है, बच्चों को कोई सजा नहीं है। अगर बच्चों को कुछ होगा तो तकलीफ हमें होगी, तुम्हें होगी, तुम्हारे शोहर को होगी, उनके बाप को होगी, किसी को नहीं होगी। वो तुम्हें नचा रहे हो, तुम नाच रहे हो, तुम नाच नाच के पैसे कमा कर उसको खिला रहे हो। समझ करो मैंने उन लोगों की चाल चाल से निकल आओ, समझ करो सब खुदा के वास्ते है, समझ करो। तुम जब भी बोलती हो कि मैं जब गाँव गई थी तो रीमा कहाँ थी जब मुझे निकाल दी, तुम्हें पता था कि मैं बीमार हूँ, मैं कराची में थी जब हमारे दादा का इंतकाल हुआ था। तुम्हें किसने निकाला था? मैंने निकाला था, हमारे भाई ने निकाला था, या हमारी बहन ने निकाला था, या दादी ने निकाला था, या हमारी बुआ ने निकाला था, उनका क्या कसूर है? लोग आज उनको गलत बोलते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, तुम्हें धर्म नहीं आती। लोग तुम्हारे बाप को कुत्ता बोलते हैं, तुम्हारे अंदर क्या वो खून जोश नहीं आता? तुम्हारे मरे हुए बाप को लोग गाली देते, तुम्हारी माँ को गाली देते, वो कितना गिरोगी अपने मरे हुए बाप को? तो बस तो मत करो ऐसा, खुदा के वास्ते वापस आ जाओ, अपनी औलाद का सोचो, अपनी औलाद का, हमारा ना सोचो, हमसे बात नहीं करनी मत करो, हमसे रब्ता नहीं रखना नहीं रखो, लेकिन अपने बच्चों को लेके अपने मुल्क में आओ। खुदा के वास्ते अपने बच्चों की जिंदगी मत तबाह करो। हम चाहते हैं कि तुम वापस आओ, तुम्हारे बच्चे अपने मुल्क में आए, हम ये नहीं चाहते कि तुम वहाँ तबाह हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। हाँ कुछ लोग हैं जो तुम्हारे सपोर्ट करते हैं कि वो तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे सगे नहीं है, तकलीफ तुम्हारे सबों को होगी। तुम जो बोलते मुझे मेरे चाची ने निकाला, मुझे मेरे मामू ने निकाला, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें फर्क पड़ता है, हम बहनों को, तुम्हारे भाई को, हम सबको फर्क पड़ता है, तुम्हारे शोहर को फर्क पड़ता है। तुम बोलते मुझे गाँव से निकला, रीमा कहाँ थी, रीमा मुझे शादी में क्यों नहीं बुलाया? जब तुम भाग गई थी ना, जब तुम भाग गई थी तो तुम्हें पता, जब एक बेटी घर छोड़ के भाग जाती है तो फिर उसको वापस उसी गाँव में नहीं आने दिया जाता। और तुम्हें पता है कि हम लोगों ने कितनी मिनटें की थी शादी की, तुम्हें बना दी थी, लेकिन आज कुछ लोग थे जो तुम्हें नहीं आने देना चाहते, तो तुम भी राजी हो गई थी ना। फिर मजबूर था हमारा बाप, मैं मजबूर थी, इसलिए तुम नहीं आ पाए, लेकिन फिर तुम गांव में आती थी, हम तुमसे मिलते थे, हम तुम्हारे बहन भाई तुमसे मिलते थे ना, तो तुम्हें दूसरों की पाई थी क्या? चाचों की या मामों की या किसी की भी, जिन लोगों ने तुम्हें निकाला, तुम्हें अब तुम्हारे बहन भाइयों ने निकाला था, तुम्हारे बहन भाई तो होते थे ना तुम्हारे लिए। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे बहन तुम्हारे पीछे यतीम, तुम्हारी बहन मेरा रो रही थी, तुम शर्म ही है, तुम उसका भी नहीं सोचा? तुम्हें सोचा कि उसका क्या होगा जब तुम ये हद तक करोगी, दोबारा घर से भाग जाओगी, चार बच्चों को लेके भाग जाओगी, उस तुम्हारी बहन कुंवारी यतीम का क्या होगा, तुम्हारे भाई यतीम का क्या होगा, ये सोचा था तुमने? चल मुझे तो तुम मार ही दो, ठीक है ना, मैं तुम्हारे दुश्मन हूँ, लेकिन वो छोटे तुम्हारे बहन भाई, वो तो तुम्हारे दुश्मन नहीं है ना। तुम्हें पता है तुम्हारी बहन कितनी बीमार है? तुम्हें तो पता है ना तुम्हारी बहन बीमार होती थी हमेशा, कितनी बीमार है, कोई नहीं है उसका, ना माँ ना बाप, समझी? वो तुम्हें याद करके रोती है, तुम्हारा भाई तुम्हारी बहन है, लोग कितनी ताने देते हैं हमें, तुम्हें क्या पता? तुम भी नहीं गुजरी ना, अगर तुम भी ये गुजरती है तो तुमसे पूछती नहीं बहन। खुदा के वास्ते समत करो, वापस आ जाओ, हमें भी बख्श दो, हमें क्या कसूर है हमारा, क्या हमारा ये कसूर कि तुम हमारी बहन हो?
मत समझना कि हमें लोग मजबूर होते हैं, हम पे जुल्म करते हैं। नहीं, हम पे कोई जुल्म नहीं करता, हमें कोई मजबूर नहीं करता।